झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कथित प्रोत्साहन राशि अनियमितता मामले में विधायक सरयू राय के खिलाफ मानहानि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है। विधायक सरयू राय के आरोपों के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के भी कई अधिकारी और कर्मचारी गोपनीय फाइल को चुराने और छल से प्राप्त करने के आरोप में शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई हो सकती है। झारखंड में होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स में राज्य सरकार की तरफ से की गई बढ़ोतरी का सांसद जयंत सिन्हा ने विरोध किया है। हजारीबाग के अटल भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2 सालों के कोरोना काल से जनता की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर नहीं है। उसके बाद झारखंड सरकार की तरफ से होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि समझ से परे है। जयंत सिन्हा ने कहा कि झारखंड सरकार का अगर यही रुख रहा तो जोरदार आंदोलन छेड़ा जाएगा। झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस ने अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोकी है। कांग्रेस ने कहा है कि पिछले राज्यसभा चुनाव में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को सदन भेजा गया था, इस बार कांग्रेस का जाना तय माना जा रहा है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जहां जहां गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं उन्हें अस्थिर करना बीजेपी की आदत बन गई है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। झारखंड के जेएमएम विधायक और सत्तारूढ़ दल के सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने बयान दिया है कि संकट से जल्द हेमंत सरकार उभरेगी, इस सरकार की सेहत को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी पर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में जल्द सुनवाई कर फैसला देने की कोशिश की जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार में मामले को लटकाने की कोशिश हुई थी। पूजा सिंघल प्रकरण पर मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की संपत्तियां सार्वजनिक होनी चाहिए, हेमंत सरकार इसके पक्ष में है। उन्होंने सवाल उठाया कि रघुवर सरकार ने पूजा सिंघल को क्लीन चिट क्यों दिया था, पहले वो बताएं। धनबाद में पुलिस ने छिनतई और लूट गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले राजा अंसारी समेत 4 अपराधियों को धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 बाइक बरामद किए गए। उनके ऊपर पहले से भी डकैती और कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधियों के माध्यम से कुल 4 मामलों का खुलासा हुआ है। जेडीए रिम्स ने अपनी मांगों को लेकर डायरेक्टर और स्टूडेंट वेलफेयर डीन का घेराव किया। इनकी मांगों में जूनियर रेजिडेंट के बीते 2 महीनों के रुके हुए वेतन को जल्द से जल्द दिए जाने समेत कई मांगे शामिल है। जेडीए रिम्स ने रिम्स प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को 10 दिनों के अंदर पूरा नहीं किया तो उनका यह विरोध और तेज होगा। डायरेक्टर ने झारखंड सरकार के पदाधिकारियों से बात कर समस्या निदान का भरोसा दिया। हजारीबाग की बरही पश्चिमी भाग 4 से जिला परिषद नेशनल कराटे चैंपियन प्रीति कुमारी ने जीत हासिल की है। उन्हें क्षेत्र की युवतियां अपना रोल मॉडल मानती हैं। प्रीति कुमारी ने बताया कि महिलाओं के लिए काम करने की लालसा उन्हें राजनीति में लेकर आई है। प्रीति कुमारी नेशनल लेवल की कराटे चैंपियन है और सिंगापुर जाकर भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है।